नमस्कार। आज हम जो चीज देखने वाले हैं वो कैंडिडेट टूर्नामेंट से रिलेटेड सभी डिटेल्स हैं कि कैंडिडेट टूर्नामेंट्स होता क्या है और क्या उसका मायना है चेस में और क्यों इतना ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिलता है और कैसे उसका सिलेक्शन होता है। तो हम लोग क्विकली डिटेल्स में थोड़ा जाते हैं कि इस टूर्नामेंट में 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक जो फाइनल लिस्ट आई है हमारे पास। उसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बताया कि फैबियानो करुआना, डिंग लेरेन, अलेक्जेंडर ग्रीसचुक, अनीश गिरी, इयान नेपो, टैमू राजाबो, वैंगाव और एलेक्सेंको। अब ये जो 8 प्लेयर हैं इनके बीच एक टूर्नामेंट होगा जो कि सीधा सीधा वर्ल्ड चैंपियन के साथ जो खेलने वाला है उसके लिए वो डिसाइडिंग टूर्नामेंट होता है। सो एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक सिलेक्शन टूर्नामेंट है। जहां तक हम बात करें फैबियानो करुआना की तो आप देख सकते हैं कि 2822 रेटिंग के साथ हैं और वर्ल्ड नंबर 2 पे हैं वो। और 2008 वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हुई थी कार्लसन के साथ तो उस वक्त वो रनर अप रहे थे। क्लासिकल में एक्चुअली उनका टाई हुआ था लेकिन रैपिड में कार्लसन ने कम्प्लीटली आउटप्ले कर दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद है डिंग लेरेन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और चाइनीज नंबर 1 है। वो भी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग अगर हम बात करें तो 3rd पे है और 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था 18 में भी वो रनर अप थे और 19 में वो राजाबो से हारे और रनर अप रहे। लेकिन वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर्स को सीधा सीधा क्वालिफिकेशन मिल जाता है कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर ग्रीसचुक जो कि मुझे लगता है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कॉमेंट्री के लिए और जैसे वो नेचुरली बिहेव करते हैं सभी लोगों को पसंद आता है। सो वो एक प्लेयर है जो कि ग्रैंड प्री सीरीज के विनर रहे हैं 2019 के। उसके बाद है अनीश गिरी, सुपर सॉलिड अनीश गिरी, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग था उनका 2019 में। सो वो भी एक प्लेयर है जो सिलेक्ट हुए हैं। इयान नेपो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है और वो ग्रैंड प्री सीरीज के रनर अप रहे थे सो डायरेक्टली उनका उसके कारण क्वालिफिकेशन हुआ था। राजाबो एकदम अनएक्सपेक्टेड था जब वर्ल्ड कप वो जीते थे 2019। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे अरोनियन से लेकर एमवीएल तक। एमवीएल के बारे में हम बात करेंगे तो राजाबो भी क्वालिफाई हो गए हैं। वैंगाव चाइनीज जो एक और प्लेयर है वो ग्रैंड स्विस विनर जो एक अभी टूर्नामेंट हुआ था वो एक नया विंडो ओपन हुआ था इस साल कैंडिडेट्स में आने के लिए सो वो टूर्नामेंट उन्होंने जीती थी। और एलेक्सेंको अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एक स्टार लगा हुआ है ऑफिशियली उनको मुझे जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसमें मिला नहीं है अभी तक लेकिन डेफिनेटली उनको ऑर्गेनाइजर की तरफ से वाइल्ड कार्ड रहेगा क्योंकि ये टूर्नामेंट जो होने वाला है कैंडिडेट्स 2020 ये रशिया में हो रहा है और ऑर्गेनाइजर के पास एक एंट्री आप दे सकते हो वाइल्ड कार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजर डेफिनेटली अभी तक जो नाम सामने आ रहा है वो एलेक्सेंको को ही देने वाले हैं और ये ऑलमोस्ट फाइनल ही है। तो अगर हम बात करें कैंडिडेट्स 2020 की कि किसके बीच होने वाला है ये सब 8 प्लेयर हैं जिनके बीच एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगा और उसके बाद उसमें जो विनर होगा वो नेक्स्ट ईयर जो मैग्नस कार्लसन के साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें वो खेलने वाला होता है और उन दोनों के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। नॉर्मली बाकी गेम्स में ऐसे फॉर्मेट बहुत कम होते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन को अलग रखा जाता है और पूरा जो साइकिल होता है उनमें से जो जीत के आता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा। नॉर्मली क्रिकेट की आप बात करो या फुटबॉल की आप बात करो या हॉकी की आप बात करो बाकी जो भी होते हैं नॉर्मली ऐसा फॉर्मेट बहुत कम होता है लेकिन चेस में हमेशा से ही बहुत टाइम से ये फॉर्मेट चल रहा है कि अब वर्ल्ड चैंपियन एक जगह होता है और उसके लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स पे से सेलेक्ट होकर 8 या कभी अलग अलग प्लेयर इस बार 8 हैं इसके पहले मुझे याद है कि थोड़े ज़्यादा भी थे। तो वो टूर्नामेंट जो जीतेगा कैंडिडेट्स उसको पूरा हक होता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ एक मैच खेले और वो नॉर्मली 12 गेम्स का होता है उसके बाद रैपिड भी होते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। दो बार जब आनंद कार्लसन इसके पहले हुआ था तो तब एक बार आनंद वर्ल्ड चैंपियन था और कार्लसन कैंडिडेट जीत के आया था। फिर चेन्नई में जब कार्लसन जीता आनंद से तो उसके बाद एक बार कैंडिडेट जीता आनंद और फिर उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। इस बार अनफॉर्चुनेटली इंडिया से कोई नहीं है वो एक बहुत अच्छी बात नहीं है हम लोग के लिए।
क्योंकि कुछ प्लेयर डिजर्विंग थे, लेकिन डेफिनेटली वो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस थे बहुत सारे, उनमें से कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, और आनंद से लेकर हरिकृष्णा, विदित, और किसी को भी चांस नहीं था। और अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो डेफिनेटली सबसे जो बड़ा नाम था जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो था MVL, यानी मैक्सिम वैचर-लैग्रेव। वो डेफिनेटली डिजर्विंग था, बहुत सारे कमेंट्स थे, मैंने पढ़े थे अलग अलग साइट्स पे कि MVL डेफिनेटली वाइल्ड कार्ड होना चाहिए, पर ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो नॉर्मली उन्हीं के कंट्री का जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है या फिर जो उसमें जो टॉप थर्ड आया या टॉप टू में नहीं आ पाया उनमें डेफिनेटली उसको चूज करते हैं। आर्टेमी भी एक अच्छा प्लेयर है रशिया से, तो डेफिनेटली उसको भी एक चांस था, बट एलेक्सेंको ऑलमोस्ट फाइनल है। उसके अलावा एरोनियन भी एक बहुत डिजर्विंग प्लेयर था कि उसको भी चांस मिले। बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, लेकिन अगर हम इन प्लेयर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर हम लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक को फुल चांस मिला था। अब अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जो नाम आए हैं फैबियानो, डिंगलेरेन, ग्रीसचुक, अनीश गिरी, नेपो, राजबो, वैंगाव, एलेक्सेंको, ये सभी बहुत ही अच्छा चेस खेलेंगे कैंडिडेट्स 2020 में, और जो भी जीतेगा टूर्नामेंट उसको डेफिनेटली कार्लसन के साथ फिर से चांस मिलेगा एक कि वर्ल्ड चैंपियन के लिए वो खेल पाए। अगर हम बात करें टॉप टू, जो टॉप मोस्ट फेवरेट है वो तो वही है कि डिंगलेरेन और फैबियानो के बीच ही ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई ना कोई कैंडिडेट जीत जाएगा। और अगर हम मैं बात करूं तो ठीक है, आपको लग रहा है कि फैबियानो और डिंगलेरेन सच में बहुत स्ट्रांग है, पर जब सिलेक्शन की बात आती है तो टूर्नामेंट का सिचुएशन बहुत टेंस हो सकता है, तो सभी को ही चांस है। पर मुझे लगता है कि अगर ग्रीसचुक भी जीत जाए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रहेगा चेस वर्ल्ड के लिए, और डेफिनेटली नेपो, अनीश गिरी, सभी के पास अच्छे चांसेस हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। इसमें अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं ताकि मैं क्लेरिफाई कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि कल फाइनल हुआ था ये सब टूर्नामेंट का जो भी डिटेल्स है, तो एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैंडिडेट्स में कैसा प्रोसेस होता है या फिर उसका क्या महत्व है, लेकिन चेस वाइज बात करें तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है वो यही होता है। एक हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस भी यही है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, और उम्मीद करेंगे कि जब भी कैंडिडेट स्टार्ट होगा तो उसके जो भी अच्छे गेम्स होते हैं हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। So bye, thank you.